श्रीलंका प्रीमियर लीग 2023 में जलवागर होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम फखर जमान का है। फखर जमान लंका प्रीमियर लीग 2023 में कैंडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब लीग के अगले मैच में फखर जमान की नज़रें एक बड़े संगे मील पर हैं। जाफना किंग्स के खिलाफ मैच में फखर जमान 33 रन बनाने में कामयाब रहे तो वो अपने कम्पिटिटिव क्रिकेट कैरियर के 15,000 रन मुकम्मल कर लेंगे। फखर जमान अब तक फर्स्ट क्लास T20 और वनडे को मिलाकर 406 मैचेस खेल चुके हैं। इन तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर उनके रन्स की तादाद 14,967 है। फखर जमान इन तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 27 मरतबा सेंचुरी बनाने का कारनामा सरंजाम दे चुके हैं, जबकि उनकी 50s की तादाद 94 है। फखर जमान ने इन तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 1,726 चौके लगाए हैं, जबकि उनके छक्कों की तादाद 328 है। फखर जमान के T20 कैरियर पर नज़र डालें तो वह अब तक इस फॉर्मेट के 215 मैचेस खेल चुके हैं। T20 क्रिकेट की 206 इनिंग्स में 8 मरतबा नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 5,528 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में फखर जमान का 135 का स्ट्राइक रेट है। फखर जमान ने T20 मैचेस में 3 मरतबा सेंचुरी बनाई है, जबकि उनके क्रेडिट पर 38 50s हैं। फखर जमान T20 क्रिकेट में 564 चौके लगाने के अलावा 201 छक्के भी लगा चुके हैं। मौजूदा साल यानी ईयर 2023 में फखर जमान ने 18 T20 मैचेस खेले हैं। इस साल T20 फॉर्मेट की 17 इनिंग्स में उन्होंने 521 रन बनाए हैं। फखर जमान इस साल T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इफ्तखार अहमद और इमाद वसीम के बाद 5वें नंबर पर हैं। इस साल T20 मैचेस में फखर जमान का 148 का स्ट्राइक रेट है। यह 2023 में फखर जमान ने T20 फॉर्मेट में 1 सेंचुरी और 2 50s बनाई हैं। वो इस साल T20 क्रिकेट में 43 चौके लगा चुके हैं। लंका प्रीमियर लीग के अगले मैच में 7 चौके लगाने में कामयाब रहने की सूरत में फखर जमान इस साल T20 क्रिकेट में 50 चौकों की मंजिल को उबूर कर लेंगे। फखर जमान इस साल T20 क्रिकेट में 30 छक्के भी लगा चुके हैं। फखर जमान ने 76 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की मेज़बानी की है। फखर जमान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की 69 इनिंग्स में 3 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 1,433 रन बना चुके हैं। T20 इंटरनेशनल मैचेस में फखर जमान का 128 का स्ट्राइक रेट है। फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल्स में 8 मरतबा 50 बनाई है।